रामगढ़ की। रामगढ़ के लोग बहुत ही भोले भाले थे, जो एक दूसरे की भलाई करते थे। चलिए काका, आपका सारा सामान मैं घर तक छोड़ देता हूँ। भगवान तेरा भला करे बेटा। इसी गांव में भंवरलाल रहता था। भंवरलाल के दो बेटे थे, विक्रम और आदित्य। दोनों बहुत ही आज्ञाकारी थे। विक्रम, मैं काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ, तुम दोनों खेत जाकर पानी छोड़ दो। जी बाबा। जैसा भंवरलाल कहता वैसे ही उसके बेटे किया करते थे। लेकिन अब भंवरलाल बूढ़ा हो चुका था, अक्सर उसकी तबीयत खराब रहती थी। विक्रम, तुम शहर जाकर बीज ले आओ और आदित्य तुम खेत में खुदाई का काम शुरू करो। ठीक है। ठीक है बाबा। कल हम तीनों मिलकर सारे बीज बो देंगे। अब से हमें हर काम मिल बांट के करना होगा। जी बाबा, आप आराम कीजिए, हम दोनों सारा काम निपटा देंगे। ठीक है। भंवरलाल अपने दोनों बेटों को खेती सिखा रहा था। कुछ समय बाद वो बीमार हो गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया। विक्रम, तुम बड़े हो, तुम्हें हमेशा आदित्य का ख्याल रखना है, और आदित्य तुम छोटे हो तो तुम्हें अपने बड़े भाई की हर बात माननी है। हाँ बाबा, हम दोनों हमेशा ऐसे ही रहेंगे। बिल्कुल। ये सुनकर भंवरलाल खुश था। बंटवारा करने का ख्याल तक उसके दिमाग में नहीं आया। फिर एक दिन भंवरलाल चल बसा। भंवरलाल ही विक्रम और आदित्य का मार्गदर्शक था। अब वही नहीं रहा था तो दोनों भाइयों का कैसे चलेगा? भैया, अब हमें कौन बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए? तू फिक्र मत कर आदित्य, मैं हूँ ना तेरा बड़ा भाई, तेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। मैं तुझे बताऊंगा कि क्या तेरे लिए सही है और क्या तेरे लिए गलत। अब आदित्य बस विक्रम के सहारे था। उसी साल विक्रम ने शादी कर ली नयनतारा से। शुरू शुरू में नयनतारा बहुत अच्छा बर्ताव करती आदित्य के साथ। ये लीजिए भैया, आपकी मनपसंद खीर। धन्यवाद भाभी। फिर धीरे धीरे नयनतारा का बर्ताव बदलने लग गया। उसे अपना देवर एक आंख नहीं भाता था। आप आदित्य को काम क्यों नहीं देते? पूरा दिन ऐसे निठल्ले बैठा रहता है। अरे, वो मेरे साथ खेतों में काम करता तो है। हाँ हाँ, पता है कितना काम करता है। आप सारा दिन खेतों में लगे रहते हैं और वो है कि शाम 4 बजे ही घर लौट आता है। हाँ, अभी वो छोटा है, कितना काम करेगा। इतना भी छोटा नहीं है, मुझे तो लगता है आपको बंटवारा कर देना चाहिए। नहीं 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 नयनतारा, वो अकेले कैसे रहेगा? अकेले क्यों, वो भी तो शादी करेगा ही। जब शादी होगी तब देखेंगे, तब तक तो हमें ही उसे संभालना होगा। समय के साथ आदित्य और उसकी भाभी नयनतारा के रिश्ते बिगड़ते रहे। वो दोनों अक्सर झगड़ा किया करते थे। ये क्या है भाभी, आज आपने मेरे लिए खाना नहीं बनाया। देख नहीं रहा कि मैं बीमार हूँ? अगर आप बीमार हैं तो किसी के लिए खाना नहीं बनाती। आपने अपने लिए और भैया के लिए तो खाना बना लिया, आप बस मुझे इस घर से अलग करना चाहती हो। वो तो मैं कब से चाहती हूँ, पर तुम्हारे भैया मेरी सुने तो ना। नहीं, मेरे भैया मुझे कभी अलग नहीं होने देंगे। ऐसा तुझे लग रहा है, देखता जा क्या होता है। कुछ नहीं होगा, मुझे विश्वास है। इस झगड़े के बाद धीरे धीरे नयनतारा विक्रम के दिमाग में आदित्य के खिलाफ बातें भरने लगी। तुम्हारा भाई मेरी जरा भी इज्जत नहीं करता, वो मुझ पर चिल्लाता है। जब मैंने कहा मैं तुम्हारे भैया से शिकायत करूंगी तो कहता है आप कुछ भी कर लो, मेरे भैया मुझे नहीं छोड़ेंगे। मानती हूँ आपका भाई आपके लिए जरूरी है, पर क्या पत्नी की इज्जत जरूरी नहीं? नयनतारा के मगरमच्छ के आंसू देखकर विक्रम का मन पसीज गया। वो नयनतारा की बातों में आ गया। विक्रम ने निर्णय ले लिया कि वो लोग अलग होंगे और बंटवारा होगा। विक्रम ने आदित्य से बात की। ये रोज रोज की खिटखिट से अच्छा है कि हम अलग हो जाएं। पर भैया, याद कर बाबा ने तुझे क्या कहा था, तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। घर का बंटवारा एक बराबर होगा। ठीक है। गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्गों ने घर और खेत का बंटवारा कर दिया। भैया, इस घर और खेत के अलावा हमारे पास एक भैंस भी है। हाँ, उसका भी बंटवारा होगा। पर नयनतारा को भैंस अपने लिए चाहिए थी, तो उसने अपने पति के कान में खुसर पुसर की। भैंस तो एक ही है, क्या फर्क पड़ता है अगर वो हम रख ले। वैसे भी आदित्य भैंस का क्या करे?
करेगा? ठीक है, बात करता हूँ। विक्रम आदित्य के पास गया। देख आदित्य, हमारे पास एक ही भैंस है, इसका बंटवारा करना मुश्किल है, तो क्यों ना ये भैंस मैं ही रख लूँ। आदित्य ने अपनी लालची भाभी की ओर देखा और बोला, नहीं भैया, भैंस का भी बराबर बंटवारा होना ही चाहिए। अब विक्रम सोच में पड़ गया कि वो कैसे भैंस का बंटवारा करेगा। तभी नयनतारा उसके पास आई। उससे बोलो कि भैंस के मुंह की ओर का हिस्सा उसका और पूंछ वाला हिस्सा हमारा। ठीक है आदित्य, इस भैंस की मुंह की तरफ का हिस्सा तुम्हारा और पीछे वाला हिस्सा मेरा। ठीक है भैया। इस बार आदित्य को अपनी भाभी की साजिश समझ नहीं आई। अगली सुबह भैंस जोर जोर से चिल्ला रही थी। अरे आदित्य देखो, भैंस को भूख लगी है। क्या, भैंस को खाना खिलाना मेरा काम है? हाँ बिल्कुल, मुंह की तरफ वाला हिस्सा तुम्हारा है ना। ठीक है भैया। आदित्य ने भैंस को चारा डाला और कुछ देर बाद उसने देखा उसकी भाभी नयनतारा भैंस का दूध दुह रही है। भाभी मुझे भी थोड़ा दूध दे दो। नहीं बिल्कुल नहीं, भैंस का पिछला हिस्सा हमारा है, इसके दूध पर बस हमारा हक है। पर ये तो अन्याय है। बंटवारा ऐसा ही हुआ था और तुमने मान भी लिया था। भैंस की इस